तो गाइस अगर आप लोग भी वन प्लस के डिवाइसेस यूज़ करते हो तो आप लोग ये प्रॉब्लम ज़रूर से अपने साथ फेस कर रहे होंगे कि आपका जो वन प्लस का डिवाइस है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है गूगल का स्टॉक डायलर, जिसके अंदर जब भी आप लोग कोई भी कॉल रिकॉर्ड करते हो तो आपको इतना ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस मिलता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और बहुत सारे यूज़र्स ने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैंने बताया कि आप लोग किस तरीके से वन प्लस डायलर को इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसको देख के अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखो कि इस वीडियो मैं आप लोगों को एक न्यूएस्ट वर्जन देने वाला हूं वन प्लस डायलर और वन प्लस मैसेजिंग एप्लीकेशन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। करते हैं हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोगों को वन प्लस डायलर एप्लीकेशन मिलती है इसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो चाहे आपका कोई सा भी वन प्लस का फ़ोन हो। सिंपली आपको इसको ओपन करना है, देन आपको यहां पे बोलेगा एज अ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट करने को, तो इसको आपको कर देना है। यहां से आप इसको जैसे ही डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर दोगे कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस शो होगा। यहाँ से मैं आपको एक जल्दी से कॉल लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपकी यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। यहाँ पे आपका स्पीकर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड कॉल रिकॉर्डिंग सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो डायलर का यहाँ पे इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, एंड गूगल डायलर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव आपको देखने को मिल जाता है। एंड गूगल डायलर को भी आप लोग डिसेबल कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिंपली मैं यहाँ से कॉल कट करता हूँ एंड जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर और आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स में सबसे पहले शो कर देता हूँ कि कैसे शो होगी। सेटिंग्स के अंदर जाना है, सबसे ऊपर ही आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप लोग अपनी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हो, उसी के साथ साथ अपनी कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स को आप लोग यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि आप लोग यहाँ से आके यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको जो ऑटो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है ये आपको ऑप्शन स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने का देता है कि आपको किस पर्सन की कॉल रिकॉर्ड करनी है। स्पेसिफिक एक पर्सन को भी आप लोग यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड बाकी इंटरफेस के मामले में भी सब चीज़ें अच्छी हैं, यहां पे कॉन्टैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसके ओपन हो जाते हैं। तो ये था वन प्लस डायलर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो।